तलाक नहीं हुई, सीमा हैदर के पाकिस्तानी शौहर ने आखिरकार भारत में मुकदमा दायर कर दिया। इतने टाइम से चलने वाला ये मामला, अब सीमा हैदर के शौहर को एक हिम्मत मिली है और उसने इंडिया में जाकर अपनी बीवी के ऊपर ऐसे ऐसी चीज़ें दायर की हैं, ऐसी ऐसी दफात लगवाई हैं, ऐसे ऐसे मामलात को उजागर किया है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया जो है इस वक्त सर पकड़ के बैठ गया है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि सीमा का जो शौहर है वो इस तरह से इंडिया में इतने मुकदमात कर देगा। सीमा ने इंडियन अदालत में गुलाम हैदर को अपना शौहर भी मान लिया, मान के सबसे बड़ी गलती कर दी, जो कहते हैं ना कि आखिरकार ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। सीमा हैदर को जेल में डालें या फिर वापस पाकिस्तान भेजें, पाकिस्तान में भी अब सीमा हैदर की कोई जगह नहीं है। जितनी तजलील ये पाकिस्तानियों की कर चुकी है, जितना बुरा भला ये पाकिस्तान को कह चुकी है, पाकिस्तान ने भी इस पर दरवाजे बंद कर दिए हैं। वो हुआ जो बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन कहते हैं कि जब भी जो चीज़ हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पबजी पर भारतीय शहरी से दोस्ती और फिर मोहब्बत के बाद अपने 4 अदद बच्चों के साथ जी ये पाकिस्तान से भारत जाती है। पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर जो कि मुसलमान थी, वहाँ पे जाके इसने हिंदुइज्म को कन्वर्ट किया। इसने ना सिर्फ झूठ बोला कि मेरी तलाक हो चुकी है, इसकी ना तलाक हुई थी, इसने वहाँ पर जाकर जो है शादी भी की और अजीबोगरीब तर्ज से इसने जो है मामला को उठाया। इसने इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई भी करवाने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की। अब जी सीमा हैदर के पाकिस्तानी शौहर जो है, उन्होंने सीमा हैदर के खिलाफ भारतीय अदालत में कम अज कम 19 दफात के तहत मुकदमा दायर करते हुए दावा किया है कि दोनों के दरमियान तलाक हुई ही नहीं। जब तलाक ही नहीं हुई तो सीमा किस रिश्ते से उस आदमी के साथ रह रही है जिसको ये अपना नया पति बोल रही है, किस रिश्ते से इसने अपना धर्म जो कि अपना मजहब है वो चेंज किया है। गुलाम हैदर ने भारतीय वकील के जरिए सीमा पर बेईमानी, मुजरिमाना साजिश, दो बरादरियों के दरमियान दुश्मनी पैदा करने और भारत में गैर कानूनी दाखिले की दफात जो है वो उसके तहत मुकदमा दायर किया है। हमें तो ये समझ नहीं आ रही अभी तक कि भारत में कोई इस तरह से गैर कानूनी तरीके से जो है बॉर्डर क्रॉस करता है, और अभी तक यानी कि महीनों गुजर चुके हैं, उन्होंने इसको पाकिस्तान के हवाले नहीं किया, ना इसको जेल में डाला है। इससे बड़ी साजिश की बू आ रही है, बहुत टाइम से आ रही है, और ये मैं नहीं कह रही, ये इंडियन मीडिया बोल रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है जिसको बेनकाब होना चाहिए। सीमा हैदर जी 10 मई 2023 को 3 बेटियों और 1 बेटे समेत नेपाल के रास्ते गैरकानूनी तौर पे भारत में दाखिल होती है। तकरीबन देखें 1 साल हो चुका है और 1 साल से वो सुकून से ज़िंदगी गुजार रही है अपने नए शौहर के साथ। ना इंडियन अदालत ने उसको जो है वो मुल्क बदर किया, ना उसको कोई सज़ा मिलती है। वो दिल्ली के पड़ोसी शहर के रिहायशी सचिन मीना के साथ जो है रिहायश पजीर है और दोनों ने नेपाल में शादी की थी। सीमा की शादी साल 2014 में जैकबाबाद के रिहायशी गुलाम हैदर से हुई थी जिससे उसके 4 बच्चे हैं। ये फैमिली कराची शिफ्ट हुई और 2019 में गुलाम हैदर रोजगार के लिए सऊदी अरब चला जाता है। इस दौरान सीमा की ऑनलाइन वीडियो गेम पबजी पर सचिन मीना से बातचीत होती है, दोस्ती होती है और फिर मोहब्बत हो जाती है। भारत में नेपाल के जरिए गैरकानूनी दाखिले का किस्सा खुलने के बाद सीमा और सचिन जो है चंद रोज के लिए पुलिस की हिरासत में भी रहे, लेकिन कुछ दिन बाद उनको जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। इंडियन मीडिया का जो है वो इतना इन पर असरअंदाज रहा, हर वक्त इनको चर्चों में रखा, हर वक्त इनको जो है उठा के रखा। भारत में गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक का कहना है कि सीमा की तलाक नहीं हुई इसलिए सचिन से शादी भारतीय कानून में नाजायज है और वो अदालत को गुमराह कर रही हैं। तहम सीमा के वकील एपी सिंह ने दावा किया है कि सीमा ने 4 साल कबल गुलाम हैदर को जुबानी तौर पर तलाक दी थी। ये कौन सी तलाक है जो सीमा ने जो है, ये मतलब कितनी अजीब सी बातें कर रहे हैं। गुलाम हैदर को जुबानी तलाक कैसे दे सकती है सीमा? सीमा के पास तो ये राइट ही नहीं है, वो तो खुला लेगी ना, या फिर उसका जो शौहर है गुलाम हैदर वो उसको तलाक देगा। तो ये तो अजीब से मामला है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। उन्होंने जी बीबीसी को बताया, खसूसी वहां पर इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है। गुलाम हैदर ने सीमा को छोड़ दिया था जिसके बाद वो अपने वालिद के साथ रहती थी। वालिद की मौत के बाद सीमा का सचिन से रब्ता हुआ, वो मीडिया आ गई। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक जो हैं उनके मुताबिक सीमा ने अपनी दरखास्त से जमानत की समाअत के दौरान भी शोहर का नाम गुलाम हैदर ही बताया था। सीमा ने अदालत में एक हलफनामे पे भी खुद को गुलाम हैदर की बीवी बताया था। सीमा ने कोई सबूत पेश किया, ना ही अदालत में कोई दस्तावेजात जमा करवाई हैं कि उन्होंने गुलाम हैदर से खुला ले ली है, तलाक हो चुकी है। गुलाम हैदर के जो वकील हैं उन्होंने सीमा के सामने सवाल उठाया था, जब आपकी शादी सचिन से मार्च 2000
23 में हो गई थी, तो आपने अदालत से जमानत हासिल करते वक्त गुलाम हैदर का नाम जो है दस्तावेजात में इस्तेमाल क्यों किया, एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जब आप उससे आपके मुताबिक 4 साल पहले तलाक हो चुकी थी तो फिर ये तो कोई तुक ही नहीं बनती। उन्होंने कहा कि सीमा के तमाम डॉक्यूमेंट्स में गुलाम हैदर उनके शौहर हैं, सीमा ने अपने शौहर को धोखा दिया, अदालत में झूठ बोला और अब वो भारत में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर हैं। मोमिन मलिक ने बताया कि अदालत ने मकामी पुलिस को नोटिस जारी किया है, 18 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है और गुलाम हैदर ने पाकिस्तान की एनजीओ अंसार बनी ट्रस्ट के जरिए वकील से राब्ता किया था। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूं कि अंसार बनी ट्रस्ट जो है वो हमेशा से काम करते आ रहे हैं, जितने भी लोग जो के पाकिस्तान से बाहर मुसीबत में होते हैं उनकी मदद की जाती है इस ट्रस्ट के थ्रू। तो अब जो गुलाम हैदर ने इस एनजीओ के थ्रू जो है वो वकील से राब्ता किया है इंडिया में और मुकदमात जो है केसेस ठोके हैं। सीमा के वकील ने केस को जो है पब्लिसिटी स्टंट करार देते हुए कहा कि वकील के इंडिया में होने से इस केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मुकदमे की समाअत के लिए जो है वो खुद नुमाइंदा मुकर्रर करना होगा। कौन सा पब्लिसिटी स्टंट, मतलब एक बंदा अपने 4 अदद बच्चों को वापस लाना चाहता है, उसको कोई लेना देना नहीं है। सीमा इधर जहां मर्जी जाए जो मर्जी करे उसे सीमा से क्या लेना देना, लेकिन जो बच्चों को वो लेकर गई हुई है, बच्चों को बाप की मर्जी के बगैर जो है मजहब चेंज करवा दिया, उनकी जो है ये कह दिया कि तुम्हारा बाप बड़ा बुरा था, तुम्हारा नया बाप ये है, तो इस पर बड़े मसले मसाइल हैं। उन्होंने कहा सीमा भारत आने से पहले हिंदू मजहब इख्तियार कर चुकी थी जो कि सरासर झूठ है, अपने बच्चों का नाम तब्दील कर चुकी थी और एक पंडित की मौजूदगी में जो है हिंदू मजहब का दूसरा नाम सनातन धर्म है उसके तहत सचिन से शादी कर चुकी थी और अपनी जमानत की शराइत पूरी करके ही वो यहाँ पर रह रही है। इस इल्जाम पर कि सीमा ने भारतीय अदालत में गुलाम हैदर का नाम इस्तेमाल किया, अब देखते हैं क्या मामला होते हैं। लेकिन इस वक्त जी उनके हस्बैंड ने तकरीबन जो है 19 दफात के तहत मुकदमा दायर किए हैं और ये भी दावा कर दिया है कि दोनों के दरमियान तलाक हुई नहीं है, सीमा एक झूठी औरत है, सीमा एक मक्कार औरत है और सीमा जो है वो अभी भी इंडिया को धोखा दे रही है। सीमा की जो शादी हुई है वो शादी इंडियन गवर्नमेंट को देखना चाहिए क्योंकि वो शादी हुई ही नहीं है। सीमा जी डे वन से काफी गेम्स खेलने की कोशिश कर रही है। अगर हम सीमा को देखें तो सीमा काफी मक्कारी का मुजाहरा करते हुए काफी झूठ बोल रही थी, उसके बातों से उसमें बड़ा तजाद नजर आ रहा था, एक एक चीज से पता चल रहा था कि मुकम्मल तौर पे झूठ बोल रही है और झूठी कहानियां सुना रही है। ना उसके फैमिली जो के कराची में मौजूद है उनके मुताबिक ना ही उसने अपने मजहब को चेंज किया था, ना ही उसने बताया था कि वो किसी हिंदू लड़के से प्यार करती है और ना ही उसने कभी बताया था कि गुलाम हैदर उसको तकलीफ देता है, अजियत देता है। जितना भी गुलाम हैदर ने आज तक पैसा दिया था इसने कराची में वो सब कुछ बेच बाज के अपने नाम हर चीज जो थी उसको भी बेच कर पैसा इकट्ठा किया और सबसे पहले ये जाती है नेपाल, वहां पे जाके शादी करती है, उसके बाद वापस आ जाती है और फिर जाती है नेपाल के रास्ते इंडिया चली जाती है। सबसे पहले तो जी इंडिया को ये सोचना चाहिए, बड़ी मिस्टीरियस बात है, आज तक इंडिया इस बात को ना सोचता ना इसका जवाब देता है कि इंडिया में कोई भी बंदा किसी भी मुल्क से मुंह उठा के घुस जाए और वो कुछ भी नहीं करता। एक पाकिस्तानी औरत चली जाती है 4 अदद बच्चों के साथ, ना उसको डिपोर्ट किया जाता है, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, उसको आराम से जो है 1 साल से अपने मुल्क में बिठाया हुआ है और सुकून से जो है वो रोटियां भी तोड़ रही है। यानी कि पाकिस्तान की अगर आप बुराई करते रहेंगे तो कोई भी पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो अबूर करेगा, उसको आप पनाह दे देंगे। ना इन्होंने एक्सेप्ट किया अभी तक कि हमने उसको सियासी पनाह दी है या उसकी जान को खतरा है पाकिस्तान में, कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, लेकिन अभी भी वो वहां पर रह रही है। देखिए जी इतने मुकदमात जो है वो दायर किए गए हैं सीमा हैदर के शौहर की जानिब से, अब वहां पे क्या कार्रवाई होती है और किस तरह से सीमा बच पाती है।